Good morning, children. Hope all of you are safe and fine at home, enjoying your vacation. Today, we will study from our social and political life textbook, Civics, chapter number 6, Understanding our Criminal Justice System. When we see someone violating the law, what will be our reaction? जब हम देखते हैं कोई अपराध कर रहा होता तो क्या होता है, हमारा रिएक्शन क्या होता है? वी इमीडिएटली थिंक ऑफ इन्फॉर्मिंग द पुलिस. यू माइट हैव सीन आइदर इन रियल लाइफ और इन मूवीज पुलिस ऑफिसर्स फाइलिंग रिपोर्ट्स एंड अरेस्टिंग पर्सन. बिकॉज ऑफ द रोल प्लेड बाय द पुलिस अरेस्टिंग ए पर्सन, we often get confused that it is the police officer who decides whether a person is guilty or not. But it is not true. It is the court of law that decides the arrested person, whether the arrested person is guilty or not. According to our constitution, every person who is charged of a crime has given a fair trial. Do you know what is fair trial? Fair trial. Do you know what is FIR? FIR. Kya aap suna hai FIR? First information report. Who is a public prosecutor? No. So in this lesson, ये लेसन में हम लोग ये सब पढ़ेंगे कि क्या है फेयर ट्रायल, क्या होता है FIR, क्या होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, कौन होता है, ये सब समझने के लिए हमें ये लेसन पढ़ना है. ठीक है, तो ये लेसन में एक काल्पनिक कथा के द्वारा, काल्पनिक केस के द्वारा, एक फिक्शनल केस ऑफ थेफ्ट के द्वारा मैं ये समझाने की कोशिश आपको करूँगी कि एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कौन कौन होता है, क्या होता है. ठीक है, इट वॉज ए फिक्शनल केस ऑफ थेफ्ट, इट वॉज फ्रॉम योर NCERT टेक्स्ट बुक. हियर इज द स्टोरी. मिस्टर एंड मिसेस शिंडे उल्लो मुंबई के एक अपार्टमेंट में रहते थे. दे हैड ए मेड, हर नेम वॉज शांति. She was working in Shinde's house from the past 3 years. 3 saal se Shanti jo hai Shinde ke ghar mein kaam kar rahi thi. One day when Mrs. Shinde was getting ready for attending a wedding, she could not find her gold chain. Wo tayar ho rahi thi shaadi mein jaane ke liye aur वो अपना गोल्ड चेन पहनने के लिए जब अपने ड्रॉयर खोली तो उसको गोल्ड चेन नहीं मिला. वो हर जगह ढूंढी, शी कुड नॉट फाइंड हर गोल्ड चेन. सो शी इन्फॉर्म्ड हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड को बताया कि मेरा गोल्ड चेन नहीं मिल रहा है और ये कमरे में हमेशा शांति आती है. हुई शांति, शांति कौन है? उनका मेड, डोमेस्टिक मेड. ठीक है, तो वही यहाँ पर डस्ट करने के लिए हमेशा आती है और कोई भी बाहर का यहाँ पर आते नहीं है. मुझे शक है शायद शांति ने ही ये चोरी की होगी. तो मिस्टर शिंडे भी सोचा कि शायद शांति ने ही चोरी किया होगा क्योंकि और कोई तो आते नहीं हमारे घर में. तो दे कॉल शांति, शांति को बुलाए और शांति से पूछे कि क्या शांति तूने हमारे गोल्ड चेन चोरी किया? तो शांति ने मना किया कि नहीं, मैंने आपका गोल्ड चेन चोरी नहीं किया, मैंने तो देखी नहीं, मैं 3 साल से आपके घर में रह रही हूँ, कभी मैंने कुछ चोरी नहीं किया, फिर आप कैसे मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मैंने चोरी किया? तो शिंडे बोला, नहीं तुम्ही चोरी की होगी, तुम्हारा बैग लेके आओ, आई वॉन्ट टू सर्च योर बैग. एंड शांति अपना बैग लेती है एंड मिस्टर एंड मिसेस शिंडे सर्च हर बैग. टू हर टू देयर सरप्राइज दे गोट 10,000 rupees फ्रॉम शांतिस बैग. शांति का बैग से उन्हें 10,000 rupees मिले. तो वो एकदम आश्चर्य हो गए. वो ये सोचने के लिए बाध्य हो गया है कि ये जो है ये पैसा
जो है शांति गोल्ड चेन चुराई और उसको दुकान में बेचकर उसका पैसा है वो है ये 10,000 रुपीज़। और शांति ने कहा नहीं, ये मेरा और मेरा भाई, शांति के एक भाई भी रहता है सुशील, वो भी वहीं पर एक फैक्ट्री में काम करता है, ठीक है। तो शांति कहती है कि नहीं, ये मेरा और मेरा भाई का एक साल का कमाई है जो आपने सैलरी के रूप में मुझे दिया, और भाई का जो सैलरी है वो हम लोग सेविंग करके रखे, वो 10,000 रुपीज़ है, मैंने आपका चेन नहीं चुराया। लेकिन मिस्टर शिंदे और मिसेस शिंदे ये मानने के लिए तैयार नहीं था। सो मिस्टर शिंदे वेंट टू द पुलिस स्टेशन, नियर बाय पुलिस स्टेशन, एंड ही रिपोर्टेड द केस FIR, ठीक है। तो वहाँ पर उन्हें FIR दिया, वो केस दर्ज कराया, ठीक है, दैट इज FIR। देन देर वॉज पुलिस इंस्पेक्टर SI, जो सब इंस्पेक्टर था, दैट वॉज मिस्टर राव, ही रिपोर्टेड द FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है। FIR मीन्स फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो मिस्टर राव जो है वो FIR दर्ज करता है, एंड ही वेंट विथ मिस्टर शिंदे टू शिंदेस होम, शिंदे का घर जाता है, एंड ही जो है वो अभी जो FIR मिल गया तो उसके बाद क्या करना है, उसको एक केस का इन्वेस्टिगेशन करना है, ओके। तो वो शिंदे के घर पहुंचता है, पहुंचकर ही स्टेटमेंट लेता है, ठीक है, मिस्टर एंड मिसेस शिंदे से स्टेटमेंट लेता है, एंड रिकॉर्डेड ऑल द स्टेटमेंट्स, जो भी उन लोग बोलते हैं सारा स्टेटमेंट लिया। देन ही हैज टू गेट एविडेंस उसको चाहिए, ठीक है। और एविडेंस के लिए उन्होंने देखा तो कुछ नहीं मिला, उनको खाली शांति का बैग से 10,000 रुपीज़ मिला, ओके। ही सील्ड द 10,000 रुपीज़ इन, ही पुट द 10,000 रुपीज़ इन एन एनवेलप, एंड ही सील्ड द एनवेलप, एंड वो अपने साथ पुलिस स्टेशन में लेके आए, एंड ही अरेस्टेड शांति ऑल्सो। एंड शांति ने बहुत कहने का कोशिश किया कि उसने चोरी नहीं किया, लेकिन उन लोग कोई उसका बात मानने के लिए तैयार नहीं थे, बिकॉज दे गॉट 10,000 रुपीज़ फ्रॉम शांति's बैग, ठीक है। और शांति को पुलिस स्टेशन लेके आगे, उसी बीच उसके भाई को ये बात पता चल जाता है कि शांति को अरेस्ट किया। इसी बीच सुशील पुलिस स्टेशन आता है और मिस्टर राव से कहता है कि उसकी दीदी ने कोई जुल्म नहीं किया, लेकिन वो उनके बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। पुलिस इंस्पेक्टर ने सुशील से कहा कि गो एंड ब्रिंग बेल, जमानत लेके आने के लिए कहता है। तो सुशील के पास इतने रुपीस नहीं थे कि वो जाकर वो मतलब जमानत ला सके, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है प्रोसीजर, जब पुलिस को पता चल जाता है जो इन एविडेंस उन्होंने कलेक्ट करता है और जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं, उसके आधार पर वो ये निर्णय ले लेता है कि ये जो पर्सन जिसको अरेस्ट किया है वो क्या है, अक्यूज्ड है, मतलब उन्हें गलत किया है। तो दे पुलिस चार्जशीट फाइल करता है कोर्ट में, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया इट वॉज नॉट द पुलिस हु डिसाइड वेदर ए पर्सन इज गिल्टी और नॉट, इट इज़ द जज हु कोर्ट डिसाइड्स द अक्यूज पर्सन इज गिल्टी और नॉट। सो राव ने चार्जशीट फाइल किया कोर्ट में, ओके। अब कोर्ट में फेयर ट्रायल चल रहा है, फेयर ट्रायल मैंने बताया, वो तो डिटेल आगे मैं पढ़ाऊँगी। फेयर ट्रायल शुरू हुआ और कोर्ट में जब आते हैं तब शांति से कहता है कि तुम्हारा यहाँ पर ट्रायल होगा। तो शांति कहती है कि मेरे पास वकील नहीं है, मेरे पास इतने पैसा नहीं है कि मैं वकील हायर कर सकूं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, आर्टिकल 22 के अनुसार, एवरी पर्सन हैज़ द फंडामेंटल राइट टू डिफेंडेड बाई ए लॉयर, हर एक को एक मौलिक अधिकार है आर्टिकल 22 के अनुसार, कि हर एक नागरिक का ये मौलिक अधिकार है कि वो अपने केस के लिए कोई लॉयर को रख सके, वकील को रख सकता है, ठीक है। लेकिन शांति के पास पैसा का अभाव था तो वो कोर्ट से कहती है, एंड आर्टिकल 39A के अनुसार द कॉन्स्टिट्यूशन जो है स्टेट को ये बताता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेस ड्यूटी ऑन द स्टेट दैट द स्टेट शुड प्रोवाइड
लॉयर फॉर ए पुअर पर्सन, मतलब जो भी पुअर है, गरीब है, जो लॉयर को नहीं रख सकता है, इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड दम लॉयर. लॉयर प्रोवाइड करना स्टेट का काम है, ठीक है. ये आर्टिकल 39A में लिखा है. तो जज ने कहता है शांति के लिए कमला रॉय एक डिफेंस लॉयर उसको नियुक्त करता है गवर्नमेंट के एक्सपेंस में, ठीक है. तो शांति के लिए जो लॉयर होता है वो है मिसेस कमला रॉय, और उसको हम लोग कहेंगे डिफेंस लॉयर, ठीक है. और वो किसके खर्च पर है, स्टेट के खर्च पर. और मिस्टर एंड मिसेस शिंडे जो है, वो जो केस है उनके लिए जो वकील होता है उनको कहता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर. पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्यों इनको पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं, क्योंकि जब कोई भी जुल्म, कोई भी क्राइम जब सोसाइटी में होता है तो वो सोसाइटी में जो क्राइम, मतलब अभी जैसा शिंदे का घर में चोरी हुआ, तो वो चोरी सिर्फ अभी शिंदे का घर में नहीं है, वो सोसाइटी के लिए एक जुल्म है. क्योंकि अगर हम कोई भी जो जुल्म करता है अगर उन्हें हम पनिशमेंट नहीं देंगे तो क्या होगा, सोसाइटी में जो बाकी लोग भी, वो भी सोचेगा कि हाँ उनको पनिशमेंट नहीं मिला तो मैं भी ये काम कर सकता हूँ, ठीक है. तो इसीलिए जो भी क्राइम होता है वो स्टेट के लिए होता है, मतलब इसीलिए जो शिंदे और मिसेस शिंदे के लिए जो वकील है उनको हम लोग पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहेंगे. तो अभी जो केस है वो किसके बीच में होता है, स्टेट वर्सेस शांति होता है, ना कि मिसेस शिंदे वर्सेस शांति. ओके, तो ये बात याद रखना कि जो भी जुल्म जब होता है, जो कंप्लेंट करता है उसका जो वकील होते हैं उनको हम कहते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर, क्योंकि वो स्टेट के लिए ये केस लड़ रहा होता है, ठीक है. तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त होता है और कोर्ट में ट्रायल चलता है, ठीक है. तो उस समय सबसे पहले पब्लिक प्रोसिक्यूटर आता है. तो और इसमें जो है विटनेसेस भी रहता है, प्रोसिक्यूशन का विटनेसेस भी रहता है और डिफेंस विटनेसेस भी रहता है, ठीक है. डिफेंस विटनेस, ठीक है. तो प्रोसिक्यूशन विटनेसेस भी रहता है, डिफेंस विटनेस भी रहता है. तो प्रोसिक्यूशन विटनेसेस में कौन रहता है, मिस्टर एंड मिसेस शिंदे, ठीक है. और डिफेंस विटनेस कौन रहता है, जो शांति को विटनेस करेगा, उसमें सुशील था और सुशील का दो तीन कोवर्कर भी था, ठीक है. अभी जो प्रोसिक्यूशन पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, ठीक है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है, जो प्रोसिक्यूशन विटनेस है, जैसा मिस्टर शिंदे मिसेस शिंदे से पूछता है कि क्या हुआ आप बताइए, क्योंकि उनका काम है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम है ये कोर्ट को, ये जज को बताना है कि क्या इंसिडेंट हुआ, क्योंकि जज को इसके बारे में पता नहीं है, ठीक है. और जज को ये बताना कि क्या हुआ, तो द पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है प्रोसिक्यूशन विटनेस से पूछता है क्या क्या हुआ. एंड मिसेस शिंदे सब कुछ वहाँ पर कहती हैं कि किस तरीके से वो चोरी करी और उसको बेचकर उसका बैग से 10,000 रुपीज़ मिला, सारा बात बता देता है, ठीक है. अब है नेक्स्ट डिफेंस लॉयर. डिफेंस लॉयर कौन है, ये शांति का लॉयर, ठीक है, जो शांति के लिए डिफेंस कर रहा है, ठीक है. तो उसका जो विटनेस है उससे भी क्वेश्चन पूछना है. तो अब कमला रॉय जो डिफेंस लॉयर है वो क्या है, फर्स्ट प्रोसिक्यूशन विटनेस से क्वेश्चन पूछता है, फिर उसके बाद डिफेंस विटनेस से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है. और अभी क्या है, इसमें जो प्रोसिक्यूशन जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो भी डिफेंस विटनेस से क्वेश्चन पूछता है, और जो डिफेंस लॉयर है ये प्रोसिक्यूशन विटनेस से क्वेश्चन पूछता है. इसको हम लोग बोलेंगे क्रॉस एग्जामिन. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस एग्जामिन, ठीक है. तो इस लोग क्वेश्चन पूछते रहते हैं, ये क्या है, पब्लिक पब्लिक प्रोसिक्यूटर और डिफेंस डिफेंस लॉयर, ठीक है. तो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या है, डिफेंस विटनेस से क्वेश्चन पूछना है, डिफेंस विटनेस से
डिफेंस विटनेस से क्वेश्चन पूछता है और डिफेंस लॉयर जो है प्रोसिक्यूशन विटनेस से क्वेश्चन पूछता है, इसको हम कहेंगे क्रॉस एग्जामिन। ठीक है, क्रॉस एग्जामिन। तो कमला रॉय जो है, कमला रॉय जो है वो जो प्रोसिक्यूशन विटनेस है उससे क्वेश्चन पूछता है, और जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो डिफेंस विटनेस से भी क्वेश्चन पूछता है। तो डिफेंस लॉयर जो कमला रॉय है अपने क्वेश्चन में जो है जो प्रोसिक्यूशन विटनेस है यानी कि मिसेस शिंटे से ये तीन चार क्वेश्चन पूछती है कि क्या आपने देखा शांति को गोल्ड चेन चोरी करता हुआ, क्या उसके बैग से आपको गोल्ड चेन मिले, या आपके घर में 3 साल से वो रह रही है, क्या कभी उसने चोरी किया, क्या आपने सैलरी के रूप में मिसेस शांति को 1000 रुपीज़ देते थे। तो ये सारा क्वेश्चंस जो है डिफेंस लॉयर पूछती है किससे, मिसेस शिंटे से या प्रोसिक्यूशन विटनेस से। ओके, तो ये बताने के लिए कि कमला रॉय ये बताने के लिए कि जो रुपीस शांति के बैग से मिला दैट वॉज हर अर्निंग नॉट बाई सेलिंग द चेन। ये जज को ये बताने के लिए कि उसके बैग से जो पैसा मिला ये उसकी मेहनत की कमाई है, ना कि उसने चेन चोरी किया, चेन चोरी करके उससे बेचा वाला पैसा है। ठीक है, तो इसी बीच में सुशील जो था वो कौन था, डिफेंस विटनेस में था, सुशील था और उसका 2-3 कोवर्कर उसके साथ जो काम करते थे वो भी डिफेंस विटनेस में था। तो उसी समय तक सुशील को ये बात पता चल जाता है कि उस शहर में और एक इंस्पेक्टर जिनका नाम है मिस्टर शर्मा, वो जो है एक ग्रुप ऑफ बॉयज़ को, गैंग ऑफ बॉयज़ को चोरी करता हुआ पकड़ता है और उनके पास से ये मिसेस शिंडे का चेन भी, जो गोल्ड चेन चोरी हुआ था वो भी मिलता है। तो कमला रॉय ने शी कॉल मिस्टर शर्मा टू द कोर्ट एज डिफेंस विटनेस। ओके, डिफेंस विटनेस के तौर पर मिस्टर शर्मा को कोर्ट में बुलाते हैं और उससे क्वेश्चन पूछता है कि क्या हुआ। तो वो मिस्टर शर्मा SI सब इंस्पेक्टर है, उन्होंने सारे बात बता देता है कि एक ग्रुप ऑफ बॉयज़ जो है चोरी करता हुआ उन्हें पकड़ा गया और उनसे बहुत सारा गोल्ड आइटम्स रुपीस मिले, उसमें मिसेस शिंडे का चेन भी मिला और मिसेस शिंडे उसके लिए मतलब मान ली कि वो उसी का चेन है। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया। ऑलरेडी डिफेंस लॉयर एक कोशिश करने का, ये बताने का कोशिश में थी कि जो रुपीस शांति का बैग से मिला वो उसका अर्निंग है, ना कि चोरी का है। ठीक है, तो इससे और भी प्रूव हो गया, एविडेंस मिल गए, विटनेस मिल गया उनको और जज ने ये वर्डिक्ट दिया कि शांति जो है बेकसूर है, उन्होंने चोरी नहीं किया। एंड द जज gave the verdict that Shanti is acquitted from this case. Shanti ko is case se bari kar diya. Theek hai? To it was the judge who decides whether she is guilty or not. Theek hai? To judge ne verdict de diya ki Shanti jo hai beguna hai aur usko is case se bari kar diya. ठीक है, और ये भी कहा कि आपका जो 10,000 रुपीज़ है जो पुलिस के हवाले है वो भी आपको मिल जाएगा, और मिस्टर राव के जो लापरवाह की वजह से आपको इतना मुश्किल मतलब तकलीफ हुआ उसके लिए भी वो जो है मिस्टर राव के लिए एक्सप्लेनेशन कॉल करेगा। तो ये जो फिक्शनल केस, एक थेफ्ट का जो केस मैंने जो आपको बताया, इसमें आप लोग देखे कि कौन कौन है। सो तो ये आप समझ गए प्रोसिक्यूशन विटनेस और डिफेंस विटनेस कौन होता है और पब्लिक। तो इसमें हम लोग देखे कि ये जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, देर आर 4 की प्लेयर्स इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में 4 की प्लेयर्स होता है। प्लेयर्स होता है कौन कौन है, फर्स्ट कौन था, पुलिस, जिसके पास जाकर वो केस फाइल करता है। ठीक है, सेकंड कौन है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ओके, थर्ड कौन है, डिफेंस लॉयर, और फोर्थ कौन है,
जज। ठीक है, तो ये चार जन के बारे में ये कहानी में आपको बताया। ठीक है, पुलिस है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, डिफेंस लॉयर है और जज है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे और इसके अलावा FIR क्या है, फेयर ट्रायल क्या है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आज मैं खाली आप लोगों को द फंक्शन ऑफ पुलिस, पुलिस का जो फंक्शन है उसके बारे में आज मैं पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे रोल ऑफ पुलिस इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ ए क्राइम। एक क्राइम को इन्वेस्टिगेशन करने में पुलिस का क्या रोल है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिफेंस लॉयर और जज का क्या रोल है, FIR क्या है, फेयर ट्रायल क्या है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो रोल ऑफ पुलिस इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ ए क्राइम क्या है कि मतलब क्या है। फर्स्ट काम, जैसा आपने वो केस में देखा था, क्या किया था मिस्टर शिंदे, पुलिस स्टेशन में आकर FIR करता है। ठीक है, FIR करता है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन देता है, पुलिस को केस फाइल करता है। ठीक है, तो अब जो है इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है पुलिस का। उनका काम क्या है कि अब जो FIR लिख लिए उसके बाद पुलिस का काम है टू इन्वेस्टिगेट दैट क्राइम। ओके, जो केस FIR हुआ उसका केस का इन्वेस्टिगेशन करना। ओके, तो फर्स्ट पुलिस का काम होता है इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट करना। इन्वेस्टिगेशन जब वो करते हैं तो उसके लिए उनको क्या क्या करना पड़ता है। फर्स्ट ही रिकॉर्ड्स द स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेस, जो भी विटनेस है। ठीक है, जो देखा या जैसा मिस्टर एंड मिसेस शिंदे के घर में जाकर मिस्टर एंड मिसेस शिंदे से जो है स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है। तो जो भी क्राइम होता है वो जो भी देखा है या जिसके सामने हुआ, जिसके साथ हुआ, तो उनका विटनेस लेता है। फर्स्ट काम है उनका क्या है, टू इन्वेस्टिगेट द क्राइम और इन्वेस्टिगेट ऑफ ए क्राइम। एंड उसमें फर्स्ट क्या है, रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट, एंड सेकेंड है कलेक्टिंग एविडेंस, एविडेंस कलेक्ट करना क्या क्या हुआ वहाँ पर। ठीक है, जो जो वहाँ पर एविडेंस मिलते हैं, आप लोग मूवीज में देखे होंगे ना, पुलिस जाते हैं कहीं पर, कुछ मर्डर होता है, कुछ भी होता है, तो आप लोग देखते होंगे पुलिस वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर जो भी है पास खड़े हैं उनसे पूछते हैं और उसको लिखता है और एविडेंस कलेक्ट करता है ना, जो भी चीज़ वहाँ पर पास में जो भी मिलता है उसको सबको एविडेंस के रूप में कलेक्ट करता है। ओके, एंड इसके बाद यही काम रहता है, इसके बाद वो बात में, इफ द पुलिस थिंक दैट द एविडेंस पॉइंट टू द गिल्ट ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन, देन दे फाइल ए चार्ज शीट इन द कोर्ट। अगर अभी पुलिस को लगता है कि वो जो एविडेंस सब कलेक्ट किया उसके आधार पर वो व्यक्ति दोषी साबित, उनको लगता है उनके नज़र में, तो वो क्या करता है, कोर्ट में चार्जशीट फाइल करता है। ठीक है, क्यों, इट इज नॉट द जॉब ऑफ पुलिस टू डिसाइड वेदर ए पर्सन इज गिल्टी और इनोसेंट। ये पुलिस का काम नहीं है डिसाइड करना कि एक पर्सन गिल्टी है या नहीं, क्योंकि ये किसका काम है, इट डज द कोर्ट और जज डिसाइड करेगा कि वेदर ए पर्सन इज गिल्टी और नॉट। ओके, सो आपके सेकेंड लेसन में आपने पढ़े थे रूल ऑफ लॉ। Rule of law, it means that every person is subject to the law of the Lord, law of the land. Every person, हर एक individual जो है वो कानून के अधीन में है। ठीक है, कानून के अधीन में है, तो उसमें कौन आता है, पुलिस भी आता है कि कानून के अधीन में रहते हैं। जब पुलिस कोई भी केस इन्वेस्टिगेट करता है, ठीक है, और कोई किसी को अरेस्ट करता है, किसी को डिटेन करता है, डिटेन मतलब जेल, जो पुलिस स्टेशन में जब रखता है उनके साथ इंट्रोगेशन मतलब क्वेश्चंस पूछता है, तो उनको कुछ गाइडलाइंस, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दिया जिसके आधार पर उनको काम करना होगा। द सुप्रीम कोर्ट हैज लेड डाउन गाइडलाइंस दैट द पुलिस मस्ट फॉलो एट द टाइम ऑफ अरेस्ट, डिटेंशन एंड इंटरोगेशन। जब कोई पर्सन को वो कोई भी क्राइम के आधार पर किसी को अरेस्ट करता है, डिटेंशन देता है या पुलिस थाने में रखता है, पुलिस स्टेशन में रखता है या उसका साथ इंट्रोगेशन करता है, तो उनको कुछ गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट दिया है जिसके आधार पर उनसे पूछना चाहिए। क्या है, फर्स्ट द पुलिस आर नॉट अलाउड
टू टॉर्चर और बीट और शूट एनीवन ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन. पुलिस को ये अधिकार नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन के टाइम में कोई भी क्रिमिनल जो भी है उनको ये अक्यूज पर्सन, हम लोग क्रिमिनल नहीं बोल सकते, अक्यूज पर्सन को टॉर्चर करने का, बीट उसे मारने का या उन्हें शूट करने का अधिकार पुलिस को नहीं है. They cannot inflict any form of punishment on a person even for a petty offense. एक छोटा सा छोटा गुनाह के लिए भी पुलिस जो है किसी को सजा नहीं दे सकता है, ठीक है. और ये जो है आर्टिकल 22, आर्टिकल 22 के अनुसार हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एवरी सिटीजन को ये फंडामेंटल राइट्स दिया है. जो भी क्रिमिनल जो अक्यूज पर्सन है उसको एक कुछ फंडामेंटल राइट्स दिया है. क्या फंडामेंटल मतलब जो अरेस्ट हुआ होता है ना, अरेस्ट पर्सन को कुछ फंडामेंटल राइट्स दिया है. क्या है? फर्स्ट, the right to be informed at the time of arrest of the offense for which the person is being arrested. The right to be informed at the time of arrest. जब किसी को अरेस्ट करता है तो वो जो पर्सन को अरेस्ट करता है उनको ये मालूम होना चाहिए कि वो क्या ऑफेंस किया, क्या क्राइम किया, किस लिए उसे अरेस्ट कर रहा है, ठीक है. एंड सेकेंड है द राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर ए मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट. और उनका ये राइट है, जिसको अरेस्ट करता है उनका ये राइट है ये कि उन्हें 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने समक्ष प्रस्तुत करना है. उसे मजिस्ट्रेट के सामने जाने का अधिकार है. नेक्स्ट, द राइट नॉट टू बी इल ट्रीटेड और टॉर्चर्ड ड्यूरिंग अरेस्ट और इन कस्टडी. और है कि उस जो अक्यूज पर्सन है जब उनको कस्टडी में रखते हैं तो उनके साथ मिसबिहेव इल ट्रीट नहीं कर सकता, ना उसको टॉर्चर कर सकता है. एंड कन्फेशन मेड इन पुलिस कस्टडी कैनॉट बी यूज्ड एज एविडेंस अगेंस्ट द अक्यूज्ड. और जो कन्फेशन वो करता है कस्टडी में उसको मतलब एक एविडेंस के रूप में हम नहीं मतलब कोर्ट पुलिस नहीं ले सकता. जो कन्फेशन पुलिस कस्टडी में होता है वो एविडेंस के रूप में नहीं ले सकता है. आज ये बॉय अंडर 15 इयर्स ऑफ एज एंड वुमन कैनॉट बी कॉल टू द पुलिस स्टेशन ओनली फॉर क्वेश्चनिंग. 15 साल से कम उम्र के बालक को और महिला को सिर्फ क्वेश्चन पूछने के लिए पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया जा सकता है, ठीक है. तो ये सारा राइट है, एक अरेस्टेड पर्सन का फंडामेंटल राइट है जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, ठीक है. तो क्या क्या है आप देख लीजिए. क्या है? राइट टू बी इन्फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ अरेस्ट ऑफ द ऑफेंस फॉर विच द पर्सन इज बीइंग अरेस्टेड. राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर ए मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट. द राइट नॉट टू बी इल ट्रीटेड और टॉर्चर्ड ड्यूरिंग द अरेस्ट और इन कस्टडी. और जो कन्फेशन वो पुलिस कस्टडी में देता है उसको एविडेंस के रूप में नहीं ले सकता, और ना ही 15 साल से कम उम्र के बालक और वुमन को महिलाओं को क्वेश्चन पूछने के लिए पुलिस स्टेशन में नहीं बुलाया जा सकता है, ठीक है. ओके, तो अभी हम लोग ने द रोल ऑफ पुलिस पढ़े, और नेक्स्ट जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिफेंस लॉयर और जज का जो रोल है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. होप आप ये लेसन समझ गए होंगे. इसमें मेन आज मैंने आपको यही पढ़ाया कि जो हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में 4 की प्लेस होता है. वन इज कौन है? फर्स्ट वन इज पुलिस, सेकंड वन इज पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एंड थर्ड वन इज डिफेंस लॉयर, एंड फोर्थ वन इज जज. और उनके क्या रोल है इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं. तो फर्स्ट मैंने पुलिस के द रोल ऑफ पुलिस इन इन्वेस्टिगेट द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में हम लोग पढ़ लिए. होप यू अंडरस्टूड दिस लेसन. थैंक यू. स्टे होम, स्टे सेफ.